रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतब लार और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। मैं आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। जैसे कि मैंने आप दोस्तों को कहा था, मैंने अपने जानवर दिखाऊंगा आपको, सारे आलटू आल जानवर। तो आज मैं आपको अपने बकरियाँ और बकरे दिखाऊँगा। सिर्फ इस वीडियो में मैं आपको देसी बड़ी बकरियाँ दिखाऊँगा, टैडी बकरियाँ नहीं, जो दूसरा दोगला माल है वो नहीं दिखाऊँगा, क्योंकि हमारा शौक है ज़्यादा बीतल नागरा, जो हमारा शौक है बड़ी बकरियों का वो ही दिखाऊंगा, जो दूसरा माल वो मैं नहीं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो के टॉपिक की तरफ बनने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो तो आपको मिलते रहें। तो मैं अब आपको अपने एक एक कर जानवर दिखाता हूँ। मेरा प्रोग्राम था आपको पकड़ कर दिखाऊँगा, लेकिन अब शाम का टाइम है और टाइम कम है, वीडियो भी बहुत ज़्यादा, अगर अकेला अकेला जानवर पकड़ कर दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको वैसे ही अपने जानवर दिखाता हूँ। ये है हमारी ये एक बकरी बीतल, ये प्रेग्नेंट है तकरीबन 3 माह की, और ये इसकी पट है जो ये है ना, ये नागरी बहुत खूबसूरत टॉप क्वालिटी की पट है, अभी 10 माह की है। तो मैं आपको बुपारियों की तरह नीचे करके नहीं दिखा रहा, जो मेरे जानवर बेसिकली है वो ही दिखा रहा हूँ। और बकरी नंबर 2 मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी बकरी मेरी है, ये ब्लैक में है, ये भी ब्लैक बीतल, ये भी तकरीबन 1 दिन दोनों क्रॉस हुई, तो बहुत टॉप क्वालिटी के ब्रीडर से क्रॉस हुई हुई हैं। ये इसकी एक पट है नागरी, ये वाली ये जो देख रहे हैं आप, ये भी इसकी इस ब्लैक बकरी की पट है, और ये लाल डब्बी भी इसकी पट है। तो मैं अब वो उसकी पट थी जो आपको दिखाई, अब बकरी नंबर आते हैं 3 की तरफ। ये बकरी क्रॉस हुई है, अभी कंफर्म नहीं है गब्बन है या नहीं, क्योंकि मैं न्यू फार्मर हूँ तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं, तकरीबन 1.5 माह हो गया इसको क्रॉस हुए। तो ये बकरी है, इसकी पट भी आपको दिखाता हूँ, ये वाली जो पट है ना, ये उस बकरी की है, टॉप क्वालिटी की ये भी पट है, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है। तो बड़ी बकरियां 3 हो गई, मैं आज आपको अब दूसरी बकरी दिखाता हूँ। ये बकरी है, इसके 2 छोटे बच्चे हैं अभी, वो बच्चे भी आपको दिखाऊंगा, और ये एक बकरी है, और बकरी एक ये है। ये बकरी थोड़ी कमज़ोर है, मगर बकरी ये सबसे टॉप क्वालिटी की बकरी यही है। तो इसके भी 2 बच्चे आए, इसके बच्चे हो गए तकरीबन 1 माह 20 दिन के, और वो जो दिखाई है इसके तकरीबन बच्चे अभी हुए हैं 7-8 दिन के, मैं इनके बच्चे भी आपको दिखाता हूँ। तो एक ये है चीनी पट है, मुँह से 2 दांत है अभी, ये भी प्रेग्नेंट है, इसका पता नहीं, ये हमने न्यू ली किसी से ली थी, कोई पता नहीं इसका ये कितने माह की गब्बन है, या तकरीबन 3.5 माह से ऊपर है ये गब्बन। और एक पट ये है, ये भी इसके साथ ही आई थी, ये अभी मुंह से 2 दांत हुई नहीं है, बस इसने दांत गिरा दिए, दूसरे दांत आ रहे हैं। तो ये काली डब्बी है, जो मेरे जानवर रियल है मैं आपको वही दिखा रहा हूँ, व्यापारियों की तरह नहीं ऐसे कर ऐसे बड़े बड़े कर नहीं दिखा रहा, ये व्यापारियों वाला काम है, मैं सिर्फ और सिर्फ जो मेरे जानवर है वो आपको दिखा, ये दिखा दी। अब एक ये काली पट है, एक ये लाल डब्बी है, ये भी तकरीबन 2 माह 20 दिन के गब्बन है। तो ये मैंने आपको अपने फार्म का हाल तो ये देखे, हमने इनको दरख्त डाले, सिंबल का दरख्त डाला हुआ, तो इस वजह से जो फार्म का हाल है ना वो बहुत ख़राब, हालत बहुत ख़राब है। ये देख रहे हैं हमने सफाई शुरू की है, थोड़ी सी सफाई हुई तो अब बाकी सफाई सुबह को करेंगे। और इसमें जानवर तो बहुत सारे, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको अपने अच्छे वाले जानवर दिखा रहा हूँ, जिनका हमें ज़्यादा शौक है जी। हम आ गए हैं बकरों वाले पोर्शन में, इसमें सारे बकरे हैं, इसमें मक्खी चीना ब्रीड ज़्यादा है, जो दूसरे नागरे हैं वो हमारे घर के हैं, और इसमें कुछ टैडी माल भी है वो भी हमारे घर का ही। ये आप बकरा नंबर 1 पर जो देख रहे हैं ये हमारे घर का बकरा है, अब मैं इनकी आपको हिस्ट्री बताऊंगा ये किस बकरी का, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बस आपको अपने जस्ट बकरे दिखा रहा हूँ। ये हमारा ब्रीडर है, दरमियान में जो है तकरीबन इसकी उम्र है अभी 10 माह, तो माशाल्लाह इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है।
ये कुर्बानी के लिए बकरे हैं मेरे। अभी सर्दी थी तो बकरे थोड़े से वीक हैं, मगर ठीक हैं फिर भी। अब मौसम ठीक हो रहा तो इंशाल्लाह ताला आप देखें, अब दिनों में मेरे बकरे तैयार हो जाएंगे। ये आप देख रहे हैं सारे बकरे हैं। ये दूसरे नंबर पर भी लाल डब्बा, ये भी हमारे घर का है और ये भी लाल डब्बा घर का। ये सारे मक्खी चीने जो ये है मैंने मंडी से ख़रीदे हुए। तो अब मैं आपको अपने जो बच्चे हैं ना छोटे, उनको भी दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह से बस आपको जानवर दिखाने थे, ये देख रहे हैं इनको खुश्क चारा डाला हुआ है, वो खा रहे हैं तूड़ी, और देखें कितने शौक के साथ खा रहे हैं। अब तो इन्होंने खुरली खाली कर दी है माशाल्लाह से। आप बकरे देखें, खूबसूरत बकरे हैं, यह सब कुर्बानी के लिए तैयार किए जा रहे हैं। तो बच्चों की तरफ ये है बच्चे मेरे, एक ये और एक ये मेल और फीमेल है। यह बकरी जो थोड़ी सी कमज़ोर है उसके बच्चे हैं। ये नागरा में है, टॉप क्वालिटी के ब्रीडर के बच्चे हैं। और ये जो है ये है राजनपुरी, ये टैडी बकरी क्रॉस करवाई थी, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आया बकरी का। देखें दो बच्चे दिए हैं, वाइट हैं, बिल्कुल वाइट, आज भी वाइट, राजनपुरी बकरे से क्रॉस हुई थी। तो आप माशाल्लाह देखें इसके बच्चे। जो बकरी मैंने आपको दिखाई थी एक और लाल, ये उसके बच्चे हैं। ये एक दो ये वाले, ये वो लाल पट है और ये काला डब्बा, ये जो है पहले नंबर पर ये वाला, ये बकरा है, और साथ में जो वो टैडी बकरी की पट है। तो ये हमारे थे बच्चे, इनको ये तो अब खा लेते हैं। मैंने इनको चोकर थोड़ा सा रखा हुआ है घी मिक्स कर कर, तो ये खा रहे हैं। करते हैं वीडियो को दी एंड। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।